सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज किस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ, एक्सिस बैंक ने कुछ समय पहले अपना एक व्हाट्सअप नंबर जारी करा था। व्हाट्सअप से पूरे अकाउंट की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, अकाउंट की लिमिट चेक कर सकते हैं, आपके अकाउंट की लिमिट कितनी है, ये पूरा काम व्हाट्सअप से या पूरे अकाउंट की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ये नंबर कुछ ही बैंक ने अभी चालू करा, जैसे एक्सिस बैंक ने कराया, ICICI बैंक ने कराया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कराया, HDFC बैंक ने कराया, ये सब कुछ ही बैंक ने अभी यह नंबर लॉन्च कराया। धीरे धीरे हर बैंक ये नंबर लॉन्च कर देगा व्हाट्सअप का। आज की सुबह फ्रेंड्स बताने वाला हूँ एक्सिस बैंक का पूरे अकाउंट की हिस्ट्री व्हाट्सअप से किस तरह से चेक करेंगे, आज की सुबह पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल कर दो सब्सक्राइब और कर दो बेल आइकन को, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। आपको फोन का जहाँ से कॉल लगाते हैं वो डायलर है, यहाँ पर नंबर खोल लेना। आपको यहाँ पर इस नंबर को मेरे मोबाइल की स्क्रीन के साइड में देख रहे हैं, इसी नंबर का आपको यहाँ पर आपको इसी नंबर को कॉन्टैक्ट में सेव करके आपको देखिए, पहले से नंबर को मैंने एक्सिस बैंक के नाम से सेव करके रखा है। नंबर है 7036165000। ये नंबर को आपको सेव कर लेना। आपको चलिए यहाँ से व्हाट्सएप को ओपन करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। आपको ओपन कर लिया, अब सर्च बारे में यहाँ पे आपको टाइप करना है एक्सिस बैंक, जो जिस नाम से आप सेव करेंगे उसी नाम को यहाँ पर सर्च करना। मैंने एक्सिस बैंक के नाम से यहाँ पे सेव करा, मैं एक्सिस बैंक यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर एक्सिस बैंक आगे इस पर आपको क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने जो जो मैंने ऑप्शन यहाँ पे जो जो सर्विस करा था वो सर्विस यहाँ पे आपको आ जाएगी। देखिए एक्सिस बैंक के नाम से ब्लू टिक यहाँ पे आपको लगा हुआ है। अब जो भी चेक करना चाहते हैं, फर्स्ट मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ अकाउंट सिर्फ डाल लेता हूँ। अकाउंट डालने के बाद मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद थोड़ा वेटिंग करना, देखिए मेरे पास क्या प्रोसेसिंग आता है, क्या सर्विसेज आती है, मैं यहाँ पर देख ले रहा हूँ इसका। बस ऑप्शन यहाँ देखिए, टू कॉन योर अकाउंट कार्ड बैलेंस, प्लीज़ फॉलो दिस टिप्स, एक्सिस बैंक मोबाइल ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर, इसमें सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आप अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अकाउंट बैलेंस लिखना है आपके पास। यहाँ पे अकाउंट में जितना बैलेंस आपके रहेगा वो बैलेंस आपको यहाँ पे शो कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे अकाउंट का बैलेंस लिखना चाहता हूँ, बैलेंस यहाँ पर जैसे लिख के सर्च करा तो मेरे पास क्या रीजन आ रहा है, वहाँ पर सारा रीजन आपको दे देगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक रीजन आ गया, मेरे अकाउंट में देखिए यहाँ पे अकाउंट बैलेंस, यहाँ पे मेरे अकाउंट में जीरो बैलेंस है, कोई बैलेंस मेरे पास अभी यहाँ पे अकाउंट में नहीं पड़ा, टोटल जीरो बैलेंस मेरे अकाउंट में दिखला रहा है। जिस डेट को यहाँ पे बैलेंस दिखाएगा वो डेट आपको यहाँ पे देखिए 16/6/2021 को मेरे पास अभी कोई अकाउंट में बैलेंस नहीं, जीरो जीरो बैलेंस यहाँ पर दिखला रहा है। आपको अकाउंट की लिमिट चेक करा तो यहाँ पर अकाउंट लिमिट आपको यहाँ पर सर्च करना है। मैंने यहाँ पे अकाउंट लिमिट ही मैंने यहाँ पे सर्च करा, मेरे पास क्या रीजन आया वो रीजन आपको यहाँ पे खुल के आ जाएगा, जो आपका रीजन रहेगा। आपको देखिए एक पेपर मोस जाएगा, यहाँ पे आपको दो लिंक दिया रहेगा, लिंक पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं क्या रीजन वहाँ पे बता रहा है। चलिए मैं क्लिक कर ले रहा हूँ, क्या रीजन बताएगा वहाँ पर मैं देख ले रहा हूँ। कोई रीजन नहीं है, देखिए ऑप्शन यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर ये कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। चलिए मैं बैक आ जा रहा हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं तो आपके पास जितना भी रीजन रहेगा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या सर्विसेज एक्सिस बैंक में मिलता है सब आपको यहाँ पे शो कर, जैसे आप अकाउंट का अकाउंट चेकबुक सर्विस, अगर अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं आप एक नंबर पे क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सर्विस लेना चाहते हैं आप दो नंबर पर क्लिक करेंगे, जो उसका प्रोसेस रहेगा वो आपके पास खुल के आ जाएगा। अगर इसका FD RD सर्विस लेना चाहते हैं आपको तीन लिख के आपको सर्च करना, इसका रीजन वहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। लॉगिन सर्विस करना चाहते हैं आपको चार लिख के यहाँ पे सर्च करना, वहाँ पे आपको जो जो रीजन रहेगा दे देगा। अगर ब्लॉक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड करना चाहते हैं तो आपको 5 नंबर क्लिक करके सेंड कर देना है। अगर यहाँ पर प्रोटीट ऑफर्स लेना चाहते हैं आपको 6 नंबर क्लिक करना है। ये सब ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई फॉर, ये सब आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको इस एक्सिस बैंक में इतने सारे सर्विसेज आपको मिलते हैं, 1 से 10 तक सर्विसेज आपको यहाँ पर मिलती है। सारे सर्विसेज के यहाँ पर मैं लिस्ट आपको यहाँ पे शो करा दिया गया है। मैंने जैसे यहाँ पे अकाउंट लिख के सर्च करा था ना, मेरे पास यही जो अकाउंट में सर्विसेज सारी सर्विसेज आपको यहाँ लिख के आ जाएगी। अगर आप अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं आपको यहाँ पे सर्च बार में लिखना है, एक लिख के आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैं एक लिख के यहाँ पे सर्च कर दे रहा हूँ, क्या रीजन आता है वो रीजन यहाँ पे शो कर दे, ये आया हुआ यहाँ पे। अगर बैलेंस चेक करना चाहते हैं आपको दोबारा से एक टाइप करना है, अगर मिनी स्टेटमेंट निकाल से दोबारा से आपको 2 टाइप करना है, अगर ऑर्डर चेकबुक करना चाहते हैं आपको 3 टाइप करना पड़ेगा वो आ जाएगा। जैसे मैं अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, एक आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे यहाँ रीजन आपके पास खुल के आ जाएगा। देखिए एक लिख के मैंने सर्च करा तो मेरे पास यहाँ पे वही बैलेंस अकाउंट बैलेंस 0 दिखा रहा है, यहाँ पर कोई बैलेंस अकाउंट में मेरे नहीं बचा। जैसे मैं यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर 2 दबूँगा तो मेरे पास मिनी स्टेटमेंट आ जाएगा, मैंने कितना वहाँ पर ट्रांजेक्शन करा सब खुल के आपके पास वहाँ पर शो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, देखिए मेरा पे यहाँ पे
यहाँ पे क्रेडिट मेरा हुआ 590 रुपये हुआ है। यहाँ पे मैंने ₹1 मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया था, यहाँ पे वो सारे इतने इस्टीमेट यहाँ पे मेरे पास खुल के अकाउंट के इस्टीमेट आ गए यहाँ पे। चलिए अब हम बैक और अगर यहाँ पे जैसे चेकबुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 लिख कर आपको टाइप करना है। देखिए 3 लाख पर टाइप करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। देखिए देखिए अगर यहाँ पे ये इस एड्रेस पे आपको इसी एड्रेस पे चेकबुक आएगा। अगर आप ऑर्डर को बुक ऑर्डर मंगाना चाहते हो, चेकबुक मंगाना चाहते हो, आपको यस पे क्लिक करना, एक नंबर क्लिक करना, एक नंबर डाल के आपको सेंड कर देना। अगर नहीं मंगाना चाहते दो नंबर आप डाल के वहाँ पर सेंड कर देंगे, वो चेकबुक आपको नहीं आएगा। इसी एड्रेस पर आपको एड्रेस यहाँ पर कुछ हाइड करा हुआ ये ऑप्शन आपको यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे और भी ऑप्शन यहाँ फिल कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरा लिमिट कितना है, जैसे लिमिट मैं सिर्फ सर्च कर रहा हूँ, अकाउंट लिमिट मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको कुछ एड्रेस आपको यहाँ पे शो करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे ऑल सर्विस में लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑल अकाउंट सर्विस। सर्विस मैंने लिख के सर्च कर दिया, मेरे पास इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ खुल के यहाँ पे, डू यू वांट टू प्लेस दिस रिक्वेस्ट। आप यहाँ से चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप एक्सिस बैंक का व्हाट्सअप नंबर सेव करके अपने एक्सिस बैंक का पूरी अकाउंट की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना लिमिट है, ये सब सारी आप व्हाट्सअप से बिल्कुल फ्री में चेक कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन कॉमेंट करें आप नीचे पूछ सकते हैं।